हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट 365 के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो आपके पीसी या फिर आपके लैपटॉप में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी बिना कोई पेड सब्सक्रिप्शन लिए। हाँ, तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पर आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, आज की हमारी वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो गाइस माइक्रोसॉफ्ट 365 का पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट आपके किसी ब्राउजर में सर्च करना है और जो पहली लिंक आएगी उस लिंक पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो आपको सिंपली माइक्रोसॉफ्ट 365 है इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं आप सिंपली यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो 365 का डेवलपर सेंटर है वहाँ पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, उसके यहाँ पे आपके सामने कम्युनिटी वाला ऑप्शन आएगा, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास लिखा हुआ है ज्वाइन द माइक्रोसॉफ्ट 365 डेवलपर प्रोग्राम, इसको आपको ज्वाइन टुडे कर देना है। और ज्वाइन टुडे करने के बाद में आपके पास एक नया विंडो खुला है, उसमें आपको सिंपली ज्वाइन नाउ करना पड़ेगा। ज्वाइन नाउ करने के बाद में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पे सिंपली यूज करना पड़ेगा। मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट का आईडी पासवर्ड है तो वो यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। लॉग इन होने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है ज्वाइन द माइक्रोसॉफ्ट 365 डेवलपर प्रोग्राम और यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें लिखा हुआ है प्लीज आंसर द फ्यू क्वेश्चंस टू हेल्प अस कस्टमाइज योर डेवलपर प्रोग्राम एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका कंट्री सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको कंपनी लिखनी है तो कंपनी में आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपली मोहित प्रजापति यानी मेरा नाम डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट इस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी और बहुत सारी दूसरी लैंग्वेज, तो यहाँ पे मैंने मेरी बेसिक लैंग्वेज है इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करके आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को यस कर देना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस एज अ डेवलपर, यानी डेवलपर का आपका प्राइमरी फोकस क्या है। यहाँ पे काफी सारे एप्लीकेशन टू बी सोल्ड इन मार्केट्स, यानी मार्केट में आप एक एप्लीकेशन सोल्ड करना चाहते हो, कस्टम सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट फॉर इंटरनल यूज एट माय कंपनी, तो यहाँ पे और पर्सनल प्रोजेक्ट, तो मैं यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हो रहा है कौन कौन से माइक्रोसॉफ्ट 365 डेवलपमेंट के टूल्स और प्रोडक्ट्स में आप इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स चाहिए और ऑफिस के एडऑन्स चाहिए, आउटलॉक, माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, ये दूसरे की हमको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपली सेव कर देता हूँ मैं ये वाला प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपर वाली आईडी है वो सिंपली क्रिएट हो गई है और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इंस्टेंट सैंडबॉक्स, और आपको क्या करना है, सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें आपको कॉन्फ़िगर सैंडबॉक्स पे क्लिक करके आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका रीजन पहले से सिलेक्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक यूजर नेम क्रिएट करना पड़ेगा, आप आपका यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं, यूजर नेम पहले से यहाँ पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए, तो आप मैं प्रेफर करूंगा कि आप अपनी ईमेल आईडी है उसी को यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट कर लीजिए ताकि आपको याद रखने में भी इजी रहे। तो आपको एक डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा, तो डोमेन में आप कुछ भी डाल सकते हो, आपकी कंपनी का नाम डाल सकते हो, जैसे कि मैं मोहित डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डोमेन में फर्स्ट वाले में मेरी ईमेल आईडी डाल दी और सेकंड वाले में मेरा डोमेन डाल दिया। और यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, मैं भी यहाँ पे मेरा पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। पासवर्ड जो है वो आपको 15 से 20 कैरेक्टर्स में रखना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, इसके लिए मैं एक नया पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आप सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी कोड जो होगा वो सिक्योरिटी कोड फोन पे आएगा, जो सिक्योरिटी कोड आएगा वो आपको सिंपली यहाँ पे आपके एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मैंने मेरा सिक्योरिटी कोड जो आया वो यहाँ पे एंटर कर दिया, तो यहाँ पे आपका थोड़ा टाइम लगेगा, एक मिनट या फिर दो मिनट लग सकते हैं, ये इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग अप योर डेवलपर सब्सक्रिप्शन नाउ, तो यहाँ पे हमारा जो डेवलपर सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सकते हैं यहाँ पे हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गो टू सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के जो सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पे आ चुका हूँ। उसके बाद मैं सिंपली मैंने जो आईडी पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर रखा था उससे मैं यहाँ पे सिंपली लॉग इन हो जाता हूँ। लॉग इन होने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं माइक्रोसॉफ्ट के जो हमने आईडी पासवर्ड क्रिएट किया था उसमें मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। और यहाँ पे काफी सारा लिखा हुआ आ रहा है कि ग्लैड टू नो, और यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे जो इंस्टॉल ऐप बटन दिख रहा है उस इंस्टॉल ऐप्स के बटन पे क्लिक करके जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी माइक्रोसॉफ्ट 365 के ऐप्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिंपली सेव कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा सेटअप है वो यहाँ पे ऑफिस सेटअप यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है।
तो इसका हम वेट कर लेते हैं, इसको सेटअप को डाउनलोड होने का। डाउनलोड होने के बाद मैं सिंपली इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेटअप है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आपका थोड़ा टाइम लग सकता है, आपकी इंटरनेट की स्पीड के डिपेंड करता है कि आपके जो माइक्रोसॉफ्ट के जितने प्रोडक्ट है उसको डाउनलोड होने का कितना टाइम लगेगा। सकते हैं यहाँ पे जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट के 365 ऑफिस डाउनलोड के जितने भी प्रोडक्ट है वो सिंपली यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं। और यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद में सिंपली यहाँ पे अब हमारे जो प्रोडक्ट है वो इंस्टॉल हो रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे माइक्रोसॉफ्ट 365 और ऑफिस के जितने भी प्रोडक्ट है वो आपके कंप्यूटर में यहाँ पे डिलीट हो गए और यहाँ पे हमें मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पे सिंपली इस विंडो को मैं क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे हमारे एक पॉपअप मेन्यू भी आ गया है। और उसका क्या करूंगा, उसका आपको सिंपली, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है वो सिंपली यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। तो ऐसे जैसे मेरे को वर्ड स्टार्ट करना है तो यहाँ पे मैं वर्ड पे आ चुका हूँ। वर्ड पे आने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे से वो पासवर्ड मांग रहा है। तो इस पासवर्ड के लिए क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे करूंगा साइन इन विद डिफरेंट अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा पॉपअप ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने जो पहले से यहाँ पे आईडी पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, तो जैसे मैंने ये हमारा है तो यहाँ पे करूंगा व्यू अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एक नई ईमेल आईडी क्रिएट हो गई है माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी एक नई ईमेल आईडी क्रिएट हो गई है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आपके कहीं पर माइक्रोसॉफ्ट या फिर जीमेल के ईमेल पर या फिर नोट वोट में कहीं लिख के रख लीजिए, सेव कर लीजिए, क्योंकि यही वो ईमेल आईडी है जिससे आप आपके जो माइक्रोसॉफ्ट का सब्सक्रिप्शन है वो क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिंपली ये ईमेल आईडी को कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं वापस हमारा वर्ड खोल लेता हूँ। इस वर्ड में इस ईमेल आईडी को प्रेस, तो क्या करूंगा अब मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट साइन इन जो ऑप्शन है उसमें इस ईमेल आईडी को पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मैं मुझसे यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा इस ईमेल आईडी का। तो मैंने वहाँ पे जो पासवर्ड क्रिएट किया था सेम वही पासवर्ड यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने मेरा पासवर्ड एंटर कर लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है कि ये आप ऑटोमेटिकली साइन इन होना चाहते हैं और बार बार यहाँ पे पासवर्ड नहीं होता है, आप यहाँ पे सिंपली ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जो कंपनी है और मेरा जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे रजिस्टर हो रही है हमारे लोकल माइक्रोसॉफ्ट 365 के जितने प्रोडक्ट है उसके साथ सिंक हो रही है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि हमारी जो कंपनी है यानी हमने जो कंपनी क्रिएट करी थी और हमारी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ सिंपली यहाँ पे सिंक हो चुकी है। तो यहाँ पे डन कर दूंगा और डन करने के बाद आप देख सकते हैं अब मैं हमें कोई से जितने ही माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है वो सिंपली फ्री यूज कर सकता हूँ। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके मेरा व्यू ऑफिस यूजर इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सब्सक्राइब हो चुके हैं और जितने ही माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मैं सिंपली यूज कर सकता हूँ बिना किसी पैसे दिए यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी थीम है जो भी सर्विसेज है वो यहाँ पे सिंपली मैं क्लेम कर सकता हूँ। और इस तरह से आप भी आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है वो एक्टिवेट हो गया, आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करके प्रोडक्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट को सेव कर सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और वीडियो अच्छी लगी है तो करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आपने हमें अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर दीजिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव और कोडिंग और टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, हमने काफी सारे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो पहले से अपलोड कर रखे हैं जो आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं और आप इन वीडियो को देख के आप प्रोग्रामिंग में मास्टर हो सकते हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।